हाँ सुनो, आप देख रहे हैं स्टार्टअप न्यूज बिहार। अभी हम पूर्णिया जिला में है और यहाँ पे पूर्णिया जिला के मोहनपुर थाना अंतर्गत, और अभी हम यहाँ पे जो नाथपुर पंचायत में, यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाएगा कि गरुड़ महाराज जी आए हुए हैं। और इनको गरुड़ महाराज जी आखिर यहाँ आए हुए हैं, ये जो इसे बगल में पूर्णिया थे, पूर्णिया के बगल में एक भागलपुर जिला है, वहाँ पे कदवा में जो है वहाँ पे गरुड़ महाराज बैठते थे, वहाँ पे भारत का तीसरा स्थान पे वो जगह आ रहा है। और यहाँ पे अब नागपुर पूर्णिया जिला में नागपुर पंचायत है और यहाँ पे गरुड़ महाराज जी आए हुए हैं, और यहाँ जानेंगे और यहाँ के कुछ गरुड़ महाराज जी के कुछ वैज्ञानिक वगैरह से भी यहाँ आ रहे हैं, उनसे जानेंगे आखिर यहाँ पे कितने स्थान ये पे आ रहे हैं। और यहाँ पे दिखाई पब्लिक वगैरह कुछ दिखाइएगा कि पब्लिक वगैरह भी यहाँ पे आए हुए, टेंट वगैरह सब सारा लगा हुआ है, अगर जानेंगे कि यह जो गरुड़ के कार्यकर्ता है इन लोगों से जाएंगे। सबसे पहले एक बात बताएंगे, इधर पूर्णिया जिला के प्रशासन नहीं है मगर यहाँ पे भागलपुर जिला के प्रशासन गरुड़ महाराज के देखरेख में लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पे जनता इनसे जानते हैं आखिर क्या आपका नाम है? मेरा नाम राजू कुमार है जी। अच्छा बताइए आखिर मतलब क्या ऐसा लगा जो गरुड़ महाराज जी यहाँ आए हुए, आप लोग इसके संरक्षण में है? विलुप्त प्राय पक्षी है ये जी, और पूरे विश्व में तीन ही जगह पाया जाता था जी, पहले कंबोडिया, उसके बाद असम, भारत में भागलपुर जिला में था। फिलहाल अभी इसको कुछ दिन हुआ है जो कि पूर्णिया जिला में नपटलिया गांव में मिला है, और इसी को बचाने के लिए पूरा सरकार इसके ऊपर लगी हुई है। मतलब जहाँ जहाँ भी गरुड़ ग्रेटर यूटेंट है, सरकार का मानना है कि पक्षी को, किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, तो यह प्राय विलुप्त प्राय पक्षी है, इसको बचाने के लिए सरकार अपने ऊपर पूरा जोर लगा रही है। और जैसे असम में कहा गया कि असम में इसका जनसंख्या घट रहा है, और ये भागलपुर जिला या पूर्णिया जिला कहिए यहाँ बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि यहाँ भोजन की व्यवस्था अधिक है, यहाँ इसका रहन सहन की व्यवस्था अनुकूल मिल रही है, वहाँ उनको रहने की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था नहीं मिल रही थी, और यही इसको बचाने के ऊपर। पक्षी है तो पक्षी कहीं भी जा सकता है, ऐसा तो बात नहीं है, पक्षी कहीं भी जा सकता है? नहीं, पक्षी जा सकती है, बट यहाँ सब वो अपने अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल अपना रहन व्यवस्था पसंद करती है जी। मतलब आज कहाँ से लोग आ रहे हैं इनको मतलब जांच पड़ताल करने के लिए? पता यहाँ भागलपुर जिला से मंदार क्लब से अरविंद मिश्रा सर आ रहे हैं, और डीएफओ मैम नहीं आ रही है, बाय द वे कोई काम लग गया नहीं आ रही है। भागलपुर पटना से भी कुछ लोग आ रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है, बहुत वैज्ञानिक आने वाले हैं, अभी नहीं आए हैं, आएंगे भविष्य में। अपना परिचय क्या? प्रशांत कुमार कन्हैया, गरुड़ से व्यूअर्स जी। ये बताइए कि आज यहाँ आए हुए, आज क्या आपको ऐसा लगा जो यहाँ आना आप लोग को? देखिए, कदवा दियारा विश्व में गरुड़ प्रजनन के क्षेत्र में तीसरा स्थान है कदवा दियारा का, कदवा के बाद जो पूर्णिया जिला सीमावर्ती क्षेत्र है कि नाथपुर पंचायत किरपोली प्रखंड पड़ता है नवटोलिया गाँव में, यहाँ दो पीपल का पेड़ है इस गाँव में, यहाँ दो घोंसला बना हुआ है, तो जो है कि घोंसला बना हुआ यहाँ भी देख सकते हैं आप। और ये भागलपुर जिला का जो प्रशासन है, पक्षी वैज्ञानिक वगैरह इनके जो विशेषज्ञ हैं, आज यहाँ ग्रामीणों को जागरूक करेंगे, जो पूरे देश से पूरी दुनिया से गरुड़ महाराज का जो है पक्षी विलुप्त हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में ये खुशी की बात है, इस क्षेत्र में इनका भोजन मिल रहा है, मछली मिल रही है, और यहाँ पर गरुड़ महाराज का आशियाना बस रहा है, इसीलिए हम लोग गाँव के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, पक्षी भगवान विष्णु के वाहक हैं, ये उनकी सवारी रहे हैं, और गरुड़ का फोटो जो है कि राम मंदिर में भी लगा हुआ है अयोध्या में, बहुत खुशी की बात है, इसलिए हम लोग ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए कोई इनका शिकार नहीं करे, इनको संरक्षण दे, कोई इनको हानि नहीं पहुंचाए, इनको भोजन उपलब्ध कराए, जो जल है, नदी है, मछली उनका मुख्य भोजन है, सांप सब भोजन है, खेत में मजदूर काम करते हैं, कीड़े मकोड़े ये उनका भोजन है, इनको भोजन मिले, जो मछुआरे भाई हैं हमारे जो मछली मारते हैं, मछली में जहर नहीं दे, उनका ये भोजन है, तो इस तरह का हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। देखिए सीमांचल एरिया में जिस तरह गरुड़ महाराज की बात किया जाए, सीमांचल एरिया में जहीं भी कहाँ भी जा रहे हैं, खेत में हो, नदी में हो, जहाँ भी, कितने तो पब्लिक उसे मार देते हैं ऐसे ही जी, इसीलिए हम लोग ये गाँव हर स्तर पर जहाँ जहाँ गरुड़ का बसेरा है वहाँ वहाँ जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि गाँव के लोगों की भी जागरूकता आए और गरुड़ का संरक्षण हो, आगे भी ये कारवां चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, जिला कोई भी हो, लेकिन ये पूरी दुनिया की बात है, विलुप्त प्राय पक्षी है, और हम लोग बचाने के लिए दिन रात एक करके लगे रहेंगे। मतलब देखिए आज कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, लोग टेंट वगैरह सब लगवाए हुए? आज भागलपुर से मंदार नेचर क्लब के संस्थापक अरविंद मिश्रा जी हैं जी। जो इस क्षेत्र के लिए 2006 से ही काम कर रहे हैं, पहले गांव के लोग जानते नहीं है पक्षी क्या है, बहुत शिकारी आते थे, इनको मार के चले जाते थे, उन्होंने 2006 से ही, जब पुल भी नहीं बना था,
तो ये विजय घाट होते हुए कभी कभी उनको रात भी रुकना पड़ता था, यहाँ रुक के लोगों को जागरूक किया, कदवा में इनको बहुत स्थान मिला। धीरे धीरे ये पूर्णिया जिला का नाथपुर पंचायत रुपोली ब्लॉक का है, यहाँ भी जागरूकता, इसी तरह यहाँ भी काम करेंगे और देश दुनिया में इस गाँव का नाम रोशन होगा। यहाँ विदेशी सैलानी भी आएंगे, पक्षी विशेषज्ञ आएंगे, बाहरी लोग आएंगे पक्षी को देखने, जैसे हम लोग अन्य जगह जाते हैं वन में मोर को देखने और चीज को देखने, विदेशी विदेशी लोग यहाँ आएंगे इस पक्षी को देखने के लिए। मतलब प्रशासन का क्या योगदान रहा, जैसे मान लिया सुने मारे कि भागलपुर जिला का प्रशासन और पूर्णिया का नहीं है। देखिए पूर्णिया जिले के वन विभाग के पदाधिकारी, इनकी अभी जानकारी नहीं है जी। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी हुई होगी, तो वो भी आए, हमारा अनुरोध है कि पूर्णिया के लोग भी आए। अभी भागलपुर से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, वहाँ के वन विभाग की टीम यहाँ आ रही है, क्योंकि इसलिए मैं पूर्णिया के लोगों से पदाधिकारी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग यहाँ आइए और इस गाँव को संरक्षित कीजिए, पक्षी को संरक्षित कीजिए। देखिए आप लोग तो भागलपुर जिला से बिलोंग कर रहे हैं, क्या पूर्णिया जिला के जितने भी नेता है, मुखिया सरपंच वगैरह सब कुछ आप लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे? जी बात हुआ है यहाँ के जो मुखिया जी पंचायत की, विजय मंडल जी, प्रमुख गोपाल मंडल, प्रतिनिधि गोपाल मंडल, वार्ड मेंबर, सरपंच साहब, सबसे हम लोगों की बात हुई है, सबको यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया गया, वो लोग आएंगे, इसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी, इस क्षेत्र को आगे विकसित किया जाएगा, इनसे गांव का विकास होगा, पर्यटन क्षेत्र रूप में विकसित होगा, ये गांव बाहरी लोग आएंगे जी। मतलब देखिए आप हम दिखाना चाहेंगे, आप पब्लिक भी बहुत है, कुछ ऊपर दिखाइएगा, सॉरी कुछ ऊपर दिखाइए, गुरु महाराज भी बहुत बैठे हुए, और यहाँ पे अभी कुछ लोग बड़े बड़े पदाधिकारी सब आ रहे हैं, उनसे जानेंगे और मतलब क्या यहाँ के कुछ जानने के बाद हम बताएंगे, मतलब यहाँ जो भारत का कौन सा स्थान पे जगह आ रहे। तो आप देख रहे स्टार्टअप न्यूज बिहार।